लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी को चली गई हैं। बघेल जी, बीजेपी को 29 सीटें जा चुकी हैं और आज हम जिस सीट की चर्चा करने वाले अब हम हैं, इंदौर की सीट है वो, और इंदौर में क्या सियासी गणित रहा कि शंकर ललवानी जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो इतना बड़ा मार्जन होता है कि देश भर में उनकी सबसे बड़ी जीत होती है। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इससे पहले जो है शंकर लालवानी जो है जब खड़े हुए बीजेपी के कैंडिडेट, तो पहले से भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि हैं तो कद्दावर कैंडिडेट, लेकिन कांग्रेस ने उनके सामने अक्षय कांति बम को उतारा। लेकिन सिनेरियो कुछ ऐसा बना कि अक्षय कांति बम ने पर्चा दाखिल करने के बाद एकदम से पार्टी छोड़ दी, तो इससे शंकर लालवानी की जीत काफी मजबूत हो गई। विजय वर्गी का बहुत योगदान था इसमें। मैं आंकड़े दिखाता हूँ कुछ। लालवानी को करीब 12,26,751 वोट मिलते हैं और जो हारते हैं ये बहुजन समाज पार्टी से हैं, बीएसपी से हैं। कहा जा रहा था कि इनको कांग्रेस समर्थन दे देगी, लेकिन इनको समर्थन नहीं दिया और इनको मिलते हैं 50,659 वोट मात्र, और ये 11,75,092 वोट से करीब करीब शंकर ललवानी की जीत हो जाती है। ये बहुत बड़ा मार्जिन है वागिल जी। जी, ये बात करें मार्जिन की तो इसमें बहुत ज़्यादा जो रोल है आप कह सकते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय का है। उन्होंने जो शंकर लालवानी के लिए और बीजेपी के लिए जो मैनेजिंग की, मैनेजमेंट की, यहाँ तक कि बूथ मैनेजमेंट की, कार्यकर्ताओं से भी बात की, कई बार मीटिंग हुई, क्योंकि कांति बम ने जैसे ही कांग्रेस छोड़ी तो कांग्रेस ने भी उन पर एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने एक मीटिंग भी की तुरंत के तुरंत, उसके बाद अक्षय कांति बम पे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक मंच पर साझा करते हुए दिखाई दिए, बीजेपी के साथ दिखाई दिए। तो आज 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 जब जीत का जश्न मना तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा भी ये कि जीत का श्रेय अक्षय कांति बम को जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जो इंदौर की सीट है वो अपनी स्वच्छता के लिए जानी जाती है, कि साफ़ सफाई के लिए इंदौर जाना जाता है, तमाम चीज़ें हैं, तमाम काम भी हुए हैं, लेकिन जो सियासत रही वो जो सियासी तस्वीरें आईं वो बहुत ही अजीब थी, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट को ही क्या कहें हाईजैक कर लेती है बीजेपी एक तरीके से, कहा जा रहा आरोप है, और वो विड्रॉ कर लेते हैं एंड टाइम पर अक्षय कांति बम अपना नॉमिनेशन वापस कर लेते हैं, तो कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। उनको तो कांति बम को गद्दार भी वहाँ कहने लगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता घोषित करने लगे, और जिस मामले में 307 लगी थी और पुलिस को उनको उनको नोटिस दिया था, 17 साल पुराने मामले में नोटिस भी दिया था, वो पुलिस जब कांग्रेस बीजेपी में आ गए तो फिर उनको पुलिस ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही, पुलिस ढूंढ रही थी आम कार्यकर्ता की तरीके, वो आम कार्यकर्ता की तरीके से घूम रहे थे, बीजेपी के साथ चुनाव प्रचार में भी शामिल हुए कई जगह पर, लेकिन पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई। आप ये कह सकते हैं कि जो इस मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप हुआ है, 29 की 29 सीटें बीजेपी को मिली, अब इसका श्रेय सबसे बड़े नेता को आप दे सकते हैं मध्य प्रदेश के, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे ही मुख्यमंत्री बने उसके बाद ही उन्होंने ताबड़तोड़ पूरे मध्य प्रदेश में रैलियां, शो, रोड शो, बैठकें, बूथ बैठकें, कार्यकर्ताओं से मिलना, ये उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी और भी कई बड़े नेता, लेकिन हाँ, जो जीत का जो श्रेय जाएगा वो मुख्यमंत्री को जाएगा। मुख्यमंत्री को जाएगा जी। ठीक, ओके, थैंक यू।